नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है और आगे हम देखेंगे अनुभव सिद्ध योग, जिसमें एक योग है 137 नंबर का योग है। अगर धन भाव का मालिक जल तत्व की राशि में होगा और उस पर मंगल ग्रह की दृष्टि होगी तो ऐसे जातक को लीकर की हैबिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। द्वितीय भाव का मालिक जल तत्व की राशि में और उस पर मंगल ग्रह की दृष्टि, ऐसे जातक को लीकर एडिक्टेड होते हैं या होने की संभावना रहती है। अगर धन भाव का मालिक अग्नि तत्व की राशि में हो तो ऐसे जातक को स्मोकिंग की लत हो सकती है, स्मोकिंग एडिक्टेड ये लोग हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखें कि द्वितीय भाव जो है वो उसको विषन से रिलेटेड है, यानी बैड हैबिट्स द्वितीय भाव से देखी जाती है, और बारहवा भाव भी बैड हैबिट्स से रिलेटेड है, लेकिन ऐसी हैबिट्स, बैड हैबिट्स जो हम लोगों के सामने नहीं करते, तो ज़्यादा बुरे व्यसन जो है वो बारहवें भाव से देखे जाएंगे। और ऐसे व्यसन जो आप लोगों के सामने करते हो, जैसे खैनी खाना, स्मोकिंग, ये सब द्वितीय भाव से देखे जाएंगे। अगर जातक की कुंडली में लग्न भाव का मालिक खड्डे के स्थान में हो, यानी कि लग्न भाव का मालिक 6, 8 या 12वें भाव में हो, तो ऐसा जातक बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट होने की वजह होने पर भी उसको जो पोजीशन मिलनी चाहिए, जो समृद्धि मिलनी चाहिए, उसमें कमी आएगी। लग्न क्या है कि हमारी पूरी कुंडली का एक मेन पार्ट है, तो उसका मालिक अगर ऐसे स्थान में जाएगा तो ये जातक को हमेशा ये थोड़ा उसको रहेगा कि भाई यार मैं इतना अच्छा हूँ, मेरा काम इतना अच्छा है, मेरी इंटेलिजेंस ऐसी है, फिर भी मुझे जो चीज़ चाहिए, जो स्टेज पे मैं होना चाहे वो नहीं हो, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। अष्टम भाव में अगर शनि महाराज है, 140 नंबर का ये योग है, 140, अष्टम भाव में अगर शनि महाराज है तो ये लंबा आयुष्य देंगे, यानी 8वें भाव में स्थित शनि जातक को लंबी उम्र देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उम्र जो है, वो आयुष्य है, वो तंदुरुस्ती के साथ होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि 8वें भाव में शनि आपको लंबी उम्र तो देगा, लेकिन साथ में वो आपको रोग भी देगा, और कई बार ये रोग के साथ जातक जीता है और उसकी वजह से उसकी सेविंग्स बैडली इफेक्ट होती है, और कई बार दरिद्रता, ऐसा कहा गया कि दरिद्रता आती है, यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि भाई वो फाइनेंशियली उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं 8वें भाव में स्थित शनि की वजह से। और हम देखें कि भाई शनि जो है वो यम है, शनि का कार्य है कोई भी चीज़ को धीमी कर देना, स्लो करना, 8वां भाव है मृत्यु का, तो 8वें भाव में स्थित शनि मृत्यु को धीमा कर देता है, यानी उम्र को वो बढ़ाता है, लेकिन ये 8वें भाव में स्थित शनि द्वितीय भाव को देखेगा जो कि हमारे फाइनेंस के साथ रिलेटेड है। शनि द्वितीय भाव को बैडली इफेक्ट करेगा और आपकी सेविंग्स, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपको जो होगा उसको वो कम कर देगा। अष्टम भाव में स्थित राहु स्त्री या पुरुष की कुंडली में आयुष्य चाहे वो लंबा दे, लेकिन वो कोई ना कोई रोग ऐसा देगा जिसके साथ उनको जीना पड़ेगा। कहने का मतलब 8वें भाव में अगर आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में राहु है तो उनकी मृत्यु इजी गोइंग नहीं होगी, कोई ना कोई रोग के साथ होगी। हो सकता है कि उसका उम्र ज़्यादा हो लेकिन आयु तंदुरुस्ती वो कम कर देगा, हेल्थ को वो बैडली इफेक्ट करेगा। और एक बात है कि 8वें भाव में स्थित राहु जो है वो जातक को गुड़ या असाध्य रोग देता है। देखिए, जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह से राहु मेडिसिन के साथ कनेक्टेड है, तो राहु की रेमेडीज मेडिसिन के साथ जुड़ी हुई है, तो 8वें भाव में स्थित राहु
को मेडिसिन से ही आप दबा सकते हो, यानी ऐसे जातक को दवाइयाँ लेनी पड़ती है बहुत टाइम तक या मृत्यु तक। अगर आठवें भाव में किसी की भी जातक की कुंडली में, पति या पत्नी की कुंडली में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो सामने का जो पात्र है, लाइफ पार्टनर है, उनकी आयु उनकी बढ़ जाती है, यानी कि उनकी जो है आयुष्य उनका बढ़ जाता है सामने वाले पात्र का। अगर पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल हो, तो वो उनकी पत्नी की जो तंदुरुस्ती है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, उनकी जो तंदुरुस्ती है वो बिगाड़ेगा। इसीलिए जब भी किसी की कुंडली में आप आठवें भाव में राहु देखें, सॉरी मंगल देखें, तो सामने मंगल या शनि कोई भी स्त्री की कुंडली में हो वो अच्छी बात मानी जाएगी। मंगल से मंगल या शनि मिलाना जरूरी होगा अगर पुरुष की कुंडली में आठवें भाव में मंगल है तो। अगर कोई जातक की कुंडली में चंद्र और शनि की युति है, तो ऐसे जातक वहमी या शंकाशील होते हैं, उनको जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं आता है, वो हर एक चीज को शंका की नजर से ही देखेंगे, चंद्र शनि की युति है तो। गुरु शनि की अगर युति है तो ऐसे जातक कंजूस होंगे, ऐसा भी कहा गया है। गुरु मंगल की युति अगर कोई जातक की कुंडली में है, तो ऐसा जातक दिल का बहुत ही उदार होगा। गुरु मंगल की युति को एक नाम दिया गया है ये योग को, औदार्य योग। ऐसे जातक दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं और उदार भी होते हैं, वो दिल से पैसा खर्चते हैं, बड़े बड़े पुण्य भी करते हैं, यानी चैरिटी भी अच्छी करते हैं वो लोग। अगर सूर्य मंगल की युति आठवें या बारहवें भाव में है, तो ऐसे जातक को एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी और एक्सीडेंट से मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अकस्मात के साथ रिलेटेड प्लैनेट है। आठवां भाव मृत्यु, बारहवां भाव हॉस्पिटलाइजेशन, एग्जिट, पृथ्वी पर से निकलना, एग्जिट। तो सूर्य मंगल की युति अष्टम या बारहवें भाव में जातक का मृत्यु एक्सीडेंट से हो सकता है, या एक से ज्यादा बार उनकी कुंडली में एक्सीडेंट होने के योग है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर जातक की कुंडली में लग्न भाव का मालिक वक्री है, किसी भी कुंडली में अगर लग्नेश वक्री है, तो ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं, अपनी मनमानी करने वाले होते हैं, जल्दी से वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, तो ये भी आप चेक करिएगा। अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह के साथ मंगल हो, या बुध और मंगल की प्रतियुति हो, या बुध ग्रह पे मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक वाद विवाद यानी कि आर्ग्यूमेंट में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट से किसी को भी हरा सकते हैं। और ये जो है योग, अगर कोई इंसान लॉयर है, वकील है, तो वो उसको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी आर्ग्यूमेंट के साथ उनको मुनाफा भी होगा। तो यहाँ पे हम ये योग खत्म करते हैं, आगे हम 150 से आगे जो योग है अनुभव सिद्ध योग उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए, धन्यवाद।